एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर, धारा फैमिली ब्लॉग पर। तो अभी मैं और धारा दोनों ही तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो पीछे धारा झूला झूल रही है। तो अभी मैं और धारा दोनों जा रहे हैं हवन में। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ हवन में और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे ही देवी देवता का स्थापन हो गया है और यहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए उसे रख दी है पूजा के लिए। यहाँ पर फल फ्रूट और सारी ही चीज़ें हैं और यहाँ पर ये तीन पंडित जी है जो पूजा करवाने वाले हैं। तो पहले गणपति की पूजा होगी अच्छे से, उसके बाद ही हवन स्टार्ट होगा। और सामने जो आपको बड़ा पिकोना दिखाई दे रहा है जिसमें गेहूँ है, उसके अंदर ही माता जी है। डेढ़ महीना पहले माता जी प्रकट हुए थे और उनको गेहूँ के अंदर रखा गया था। तो डेढ़ महीने के बाद ही उसे निकालेंगे और उसे अच्छे से उसकी पूजा की जाएगी और उसे उसके मंदिर में स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो वही सारी आज पूजा होने वाली है और उसी के लिए ये हवन रखा गया है। तो चलिए, यहाँ पर तो गणपति की पूजा हो रही है, तो आप लोग भी ऐसे ही वीडियो में बने रहेंगे। तो अभी यहाँ पर गणपति का अभिषेक हो गया है, तो यहाँ पर उसे सिंदूर लगा रहे हैं और फिर उसे अबीर गुलाल तिलक करेंगे, फूल की माला पहनाएंगे और अच्छे से इनकी पूजा करेंगे, उसके बाद ही हवन स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गणपति की पूजा हो रही है। तो चलिए, आप लोग भी ऐसे ही वीडियो में बने रहना और आगे तक ये वीडियो देखते रहना। और अब हवन होगा स्टार्ट। दुर्वा अमृत संपन्ना, दुर्वा अमृत संपन्ना, हवंस वृद्धि करी विष्णवादि सर्वदेवानां दुर्वे त्वं प्रीतदा सदा क्षीर सागर संभूता हवंस वृद्धि करी। फल मात्रेण नैवेद्यं निर्दयावे दाबोत मोटा कर रखो ना होवे और कृष्ण अपनो नाम सागर भाई दाबोत मोटा कर रखो ना जमनाते करी भगवान गणेश जी ने आपने भोजन करावीशु। मूल मंत्रेण संप्रोक्ष्य संयोज्य धेनवान प्रकृत्य भगवान निजमाड़ी जय। ओम प्राणाय अवानाय ध्यानाय उदानाय समानाय देवार्थली चित्त बलिपत्र मुखवाणी मध्ये द्वयं समर्पयामि। तो अभी हम सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पर देखो खाने में क्या क्या बना था। तो यहाँ पर दाल, सलाद, मिठाई, पूरी, चावल, आलू की सब्जी, पापड़, भजिया, चटनी, छाछ, ये सारी ही चीज़ें बनी थी। और जो पूजा में बैठे हैं और पंडित जी है उनके लिए उपवास का खाना बनेगा, क्योंकि उनका आज उपवास होता है। जब तक हवन और ये पूजा ख़त्म नहीं होगी तब तक वो लोग पक्का खाना नहीं खा सकते। और उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद आई माँ भी आने वाले हैं, तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना और देखते रहना कि किस तरीके से आई माँ का स्वागत किया जाएगा और उससे उसकी पूजा की जाएगी। तो चलिए, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। हम सब तो बैठ गए हैं दोपहर का खाना खाने के लिए। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आई माँ का स्वागत भी करना है। शांति रहे।
ताई माँ का अच्छे से स्वागत हो गया है और वो यहाँ पर विराजमान भी हो गई है। तो अभी बारी बारी से सब लोग आएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, पैर छुएंगे। और मैंने भी आई माँ के आशीर्वाद लिए थे और इनका नाम सोनल माँ है। और हमारे पास में ही एक छोटा सा गांव है मटड़ा, वहाँ के जो सोनल माँ है उन्हीं का ये सातवां अवतार है। उनका नाम भी सोनल माँ था और इनका नाम भी सोनल माँ है। तो यहाँ पर जो दीदी दिखाई दे रहे हैं आपको सामने, इनके घर पर ही हवन और पूजा थी। तो वो अभी यहाँ आई माँ के पैर धो रहे हैं और उनको तिलक लगाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद ही हवन जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर आई माँ आएंगे और बैठेंगे, पूजा करेंगे। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए आई माँ के और सोनल माँ के। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, मैंने तो अच्छे से दर्शन भी किए, आशीर्वाद भी लिए। तो अभी हम सब यहाँ पर बैठेंगे, बातें करेंगे। उसके बाद जो बाजू के कमरे में हवन रखा गया है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर पूजा आरती ये सब होगा। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर पूजा हो रही है और यहाँ पर ये सात देवियाँ हैं और एक उनका भाई है, तो यहाँ पर उनकी ही पूजा हो रही है। तो खोयाल माँ है और उनकी छः बहनें हैं। मुझे बाकी की छः बहनों के नाम तो नहीं पता है और एक का नाम पता है, तो मैं वो आपको बता रही हूँ अभी। तो अभी यहाँ से अच्छे से पूजा होगी, इनको तिलक लगाया जाएगा, अबील गुलाल फूल और सारी ही चीज़ें से उनकी पूजा होगी। उसके बाद उसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा और जहाँ पर मंदिर बनाया गया है जामुन के पेड़ के नीचे इनका मंदिर बनाया है अच्छे से, तो वहाँ पर उनको विराजमान किया जाएगा। और जिनके यहाँ हवन है उनके बेटे ही अपने हाथों से वहाँ पर सभी माता जी को लेकर जाएंगे और बारी बारी से सभी माता जी को वहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो चलिए, यही बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी और यही बताना था। तो आप लोग भी वीडियो देखते रहिए और हवन पूजा और किस तरीके से माता रानी को बिठाया जाता है और किस तरीके की पूजा होती है, यही सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है और आगे भी शेयर करूंगी। तो आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट करते रहिए कि आपके यहाँ भी इस तरीके की पूजा होती है और इस तरीके से माता रानी का स्वागत किया जाता है, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो कल फिर मिलूंगी आप लोगों से ऐसी ही नई बातों के साथ और ऐसी ही नई नई रीत रिवाज और पूजा के साथ। तो चलिए, आप लोग भी वीडियो एंजॉय कीजिए और आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो कल फिर मिलूंगी, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे। Yeah.
से द्वितीय चंद्रम से तृतीय चंद्रम से चतुर्थ चतुर्मंडल स्वाहा प्रत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि विहितं कर्म वन्दने मृत्युञ्जय महाराज स्वाहा सर्वापाना प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् असमदवैदिविना सनम हो भट स्वाहा। तो देखिए यहाँ पर आई माने सारी ही माता जी को बिठा दिया है। यहाँ पर खोड़ियार माँ की 6 बहनें और 1 भाई है, सभी को यहाँ पर बिठा दिया है मंदिर में। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये वही जामुन का पेड़ है जिसके नीचे से ये सारे माता जी निकले हैं और वहीं पर उनका मंदिर भी बनवाया है। तो अभी एक पूजा और वो है, तो वो पूजा करने के बाद ही सारा हवन सम्पन्न होगा। तो चलिए चलते हैं हवन में। नियाते देवेर्य तास्मेन्दुरात्मनि सुरा रिमने चने व्याम दोष्टवो प्राणविनां वसिनो धरांसा वाग्वि नमस्कारा नमस्कारो।